दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोनो डेस्कटॉप पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन सेट की। क्या है इसमें खास बात और ये मैंने कितने का और कहां से परचेज किया, जानने के लिए देखते रहिए चैनल रेड की। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों मेरा नाम है नीरज वर्मा और आप देख रहे हैं चैनल रेड की। तो आज हम बात कर रहे हैं मोनो माइक्रोफोन की, जिसका मॉडल नंबर है AU-A04TR। आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें कंटेंट्स मिलते हैं और क्या है इसकी खास बात जिसके लिए मैंने इसको परचेज किया। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में माइक्रोफोन हमें मिलता है, जिसके फ्रंट में मॉडल नंबर और साइड्स में कुछ खास तो नहीं, बैक साइड पर अगर हम देखें तो हमें मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर की डिटेल मिल जाती है। उसके साथ साथ हमें टेक्निकल सपोर्ट और ऑनलाइन शॉपिंग का भी लिंक प्रोवाइडेड है, जिससे हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस माइक की MRP है लगभग 3,299 रुपये, पर मैंने इसे अमेज़ोन से 1,000 रुपये सस्ता यानी कि 2,299 रुपये में ख़रीदा है। बॉक्स में हमें सबसे पहले मिलता है एक मेटल बेल्ट का माइक्रोफोन, जिसकी क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है। सामने की तरफ मोनो लोगो और नीचे की साइड पर USB-B पोर्ट का प्रोविज़न है, जिसकी मदद से आप अपनी USB केबल A-B पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। इस माइक्रोफोन में हमें 16mm लार्ज माइक कैप्सूल मिलता है, जिसकी मदद से हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। AU-A04TR में हमें विंडस्क्रीन देखने को भी मिलता है, जो रिकॉर्डिंग के टाइम लाउड पॉप्स को फिल्टर करने के काम आता है। इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी थिक है ये और जल्दी से फटने वाला नहीं है। इसको भी हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। अब माइक हैवी है तो ट्राइपॉड का भी हैवी होना ज़रूरी है, और यहाँ पर मोनो ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। हमें जो मटेरियल यहाँ मिलता है ट्राईपॉड का, वो मेटालिक है, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपका माइक इधर उधर हिलेगा। और आखिर में हमें बॉक्स में मिलती है कनेक्टिविटी, यानी कि USB-B to USB-A केबल। देखिए होता क्या है, माइक क्या करता है, आपकी साउंड एनर्जी को ऑडियो में यानी कि मैकेनिकल वेव एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो एनालॉग ऑडियो सिग्नल हमारा बनता है उसको वो एम्पलीफाई करके कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। अब ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, अब ये किसी न किसी मीडियम यानी इंटरफेस के थ्रू आपके कंप्यूटर में तो जाएंगे ही। अब ये एक मीडियम का काम करता है USB कनेक्शन, तो इसीलिए USB कनेक्शन का अच्छा होना यानी कि क्वालिटी वाला होना भी ज़रूरी है। और वहीं मोनो ने एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाला USB केबल हमें प्रोवाइड किया है, ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों आखिरी में हमें मिल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिनको शायद ही हम कभी रीड भी करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब था कुछ इसके कंटेंट्स, आगे देखते हैं इसका रिव्यू। वैसे तो माइक का टच एंड फील काफ़ी अच्छा है, पर मुझे अनबॉक्सिंग करते टाइम इसमें कुछ क्लिक की साउंड आई, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। बट फिर भी माइक की क्वालिटी अच्छी है तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं। इस वीडियो में जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक के थ्रू रिकॉर्डेड है, और कंपेयर करने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पहले और अब में कितना फ़र्क है। नॉइस कैंसिलेशन चेक करने के लिए मैंने अपने रूम का फ़ैन ऑन कर दिया है। थोड़ी देर में साइलेंट रहता हूं और आप खुद देख लीजिए कि ये कितनी नॉइस को कैंसिल करता है। अब मैंने कर दिया है फ़ैन को बंद और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चालू हो चुका है।
आई थिंक इतना सैम्पल काफ़ी है इस माइक की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। अब अगर हम इसकी रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये पोलर पैटर्न कार्डियोइड माइक है। ग्रीक लैंग्वेज में कार्डियोइड का मतलब होता है हर्ट शेप, यानी कि दिल की शेप। अगर माइक्रोफोन आइकन की जगह हम फिज़िकल माइक को प्लेस करें तो हर्ट शेप का जो पैटर्न आपके सामने है ठीक उसी पैटर्न में ये वॉइस रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको इसके सामने ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ये थी AU-A04TR की थोड़ी सी गुफ्तगू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।